सो आज मैं आई हूँ शोलो आना बंगाली रेस्टोरेंट में, जो कि कोलकाता का और एक फेमस बंगाली फूड का रेस्टोरेंट है। तो आज मुझे मूड हुआ कि कुछ फिर से कुछ बंगाली ट्राई करते, कुछ सिंपल एंड टेस्टी बंगाली फूड। तो मैं आ गई शोलो आना बंगाली में। इंट्रो हो जाए तो मैं हूँ प्रिया, आप देख रहे हो मेरा चैनल मल्टीफेरियस प्रिया। खाओ पियो मस्त रहो, मेरा चैनल देखते रहो। तो पिछली बार तो फिश ट्राई किया था मैंने बंगाली रेस्टोरेंट में जाके, आई मीन इलिश माछ ट्राई किया था। तो इस बार चिकन ट्राई कर रही हूँ मैं। एक एक करके ट्राई करेंगे। फिश पहले कर लिया, अब आते हैं चिकन में। तो आज मैंने ऑर्डर किया है चिकन कौशा, बासमती राइस एंड राजभोग। सिंपल बट टेस्टी खाना। तो ऑर्डर तो कर दिया है, थोड़ा देर लगेगा आने में, वेट करते हैं। और तब तक आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का एम्बियंस कैसा है। Thank you.
हाँ तो और एक मुझे कंप्लेन बार बार आता है कि आप सिर्फ खाए जाते हो, बाद में रिव्यू देते हो। आप लोग शायद भूल गए हो, बड़ों ने कुछ बोला है कि खाते वक्त बात नहीं किया करते, तो पहले खा लो, अपने फूड को आराम से एंजॉय कर लो, टेस्ट उसका जो एसेंस है उसको एंजॉय कर लो, उसके बाद रिव्यू दो, जो कि मेरा फंडा है, क्योंकि मैंने फूड को अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ और उसको टेस्ट करते करते रिव्यू शेयर करना भी ठीक है, मगर मेरे हिसाब से खाते वक्त तो पहले बात नहीं करना चाहिए और दूसरा फूड को पहले एंजॉय करना चाहिए। तो उसीलिए मैं पहले पूरा खाना खा के एंजॉय करके फिर रिव्यू देती हूँ आप लोगों को कि कैसा है, बजट कैसा है, बजट में है कि नहीं और जो जो भी होता है। तो यही है रीज़न मेरे पहले सारा खाना खा के फिर रिव्यू देने का। लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरा बंगाली लुक बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो मैंने ट्राई किया है आज भी बंगाली लुक में आने के लिए। और हाँ, और एक कंप्लेंट भी बहुत ज़्यादा आता है कि मैं बार बार तो बोलती हूँ। किसी ने तो बोला कि मैंने 10 मिनट के वीडियो में 19 टाइम्स तो बोल दिया, तो आज से मैं तो नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी और मैं ट्राई करूँगी। ये आ जाता है यार, मैं ऐसे नहीं करती, ये अपने से आ जाता है मेरा, क्या करूँ अब, मगर मैं कोशिश करूँगी नहीं बोलूँ। तो आज का वीडियो भी ना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई तो यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और टेस्ट फूड का तो आई होप अच्छा ही होगा, प्राइस भी ठीक ठाक है, बजट फ्रेंडली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। जो बासमती राइस है वो है 80 रुपीज़, जो चिकन कौशा है 3 पीसेस आता है 220 रुपीज़ में, और राजभोग है 70 रुपीज़ में 2 पीसेस। तो आ गया तो फिर से तो नहीं, आ गया मेरा फूड और अगेन दिल के अंदर गार्डन गार्डन हो रहा है, तो नहीं बोलूंगी। टेस्ट तो ज़बरदस्त है, मगर एक चीज़ दिमाग में चल रहा है तब से, जो कि बोलना थोड़ा ज़रूरी है, कि चिकन जो कौशा है उसका जो ग्रेवी है ना, उसको देने में थोड़ा कंजूसी कर दिया है यार इन लोगों ने तो। और थोड़ा सा इतू सा ग्रेवी अगर ज़्यादा दे देते ना तो और भी बेहतर होता। बस यही एक फॉल्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिटेल्स रिव्यू तो आ ही रहा है, मगर ये मैंने बोल दिया क्योंकि तब मैं नहीं बोल पा रही थी। वो सब लोग ना, वहाँ के जो मैनेजर थे, जो वेटर्स थे, सब सामने खड़े हुए थे, देख रहे थे, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ये बोलने में, तो इसीलिए ऐसे बोल दिया। विदाउट नींबू एंड मिर्ची बंगाली फूड इज लाइक ना इनकम्प्लीट। मुझे तो यही लगता है यार, ये दोनों मस्ट है। चिकन तो सॉफ्ट है और मॉइस्ट भी है। शोलो आना बांगाली के और भी बहुत सारे आउटलेट्स आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जगह में मिल जाएंगे। ये वाला जो शोलो आना बांगाली है, ये लोकेटेड है बेहाला चौखेर बाजार में।
डिग इन टू द ऑसम राजभोग। I like it. I really like it. Finally, review time. तो पहले आते हैं राइस में। तो राइस एकदम perfectly cooked था, लंबा लंबा ग्रेन था राइस का, एकदम non sticky, perfectly cooked। और जो चिकन था, चिकन कौशा 3 pieces था, साइज ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, एवरेज पीस था साइज। और एक बात, जो ग्रेवी था वो ग्रेवी का टेस्ट जस्ट ऑसम था। आई मीन वो राइस के ऊपर ग्रेवी, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के और ग्रीन चिली के साथ अगर खाओगे ना तो बस खो जाओगे। टेस्ट ऐसा था, ऑसम था। जो राजभोग था उसमें एक हल्का सा स्मोकी फ्लेवर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्मोकीनेस बस। और एक बात, ये चीज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वेट, तो ये था रोस्टेड सौंफ, या तो फिर बंगाली में जिसको बोलते हैं मोरी। खाने के बाद प्रॉपर डाइजेशन के लिए इसको च्यू करते हैं। तो बस परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था, क्वांटिटी अच्छा था, क्वालिटी अच्छा था। चिकन, जो मीट था, चिकन सॉफ्ट था, जूसी था मीट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टिफ नहीं था, इसका मतलब परफेक्टली कुक था। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी जरूर ट्राई करो, अगर आ सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। और अगर नहीं भी आओ, ऑनलाइन भी आराम से आप लोग ऑर्डर करके यहाँ का फूड इंजॉय कर सकते हो, शोलो आना बंगाली रेस्टोरेंट का। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कि कोलकाता में कहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से अच्छा अच्छा फूड बजट में पाया जाता है, उसके लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को करो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देख पाए और इन्जॉय कर पाए यहाँ का टेस्टी टेस्टी फूड। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कंजूसी मत करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि सब पोस्ट का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुंच जाए और जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप उसको देख पाओ।